जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र का खंडाला गांव, जहां पर आधा दर्जन लोग आज भी बिना भूमि के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार द्वारा दी गई योजनाएं यहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं। यहां पर आधा दर्जन परिवार झोपड़ी में रहते हैं, जबकि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि किसानों के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। किसानों को पक्के मकान दिए जाएंगे, किसानों को रोजगार के साधन दिए जाएंगे, पर धरातल पर अगर देखा जाए तो आज भी केंद्र की योजनाएं यहां नहीं पहुंच पा रही हैं। जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र का खंडेला गांव के ग्रामीणों का कहना है कि नेता और प्रधानों को कई बार समस्या से अवगत करवाया जा चुका है, पर यहां सरकार की कोई योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है, जिस कारण दो तीन परिवार यहां से पलायन भी कर चुके हैं। गांव के 80 वर्षीय बुजुर्ग का कहना है कि 5 पीढ़ियों से वे इस जमीन पर गुजर बसर कर रहे हैं, पर अभी तक सरकार द्वारा उन्हें एक भी योजना का सही ढंग से लाभ नहीं मिल पाया है। बाकी ना तो जमीन और झोपड़ी में पड़े हुए हैं, बहुत परेशान है। 5 पीढ़ी हो गए हमारे को, कोई सरकार ने हमारे को कुछ नहीं दिया अभी तक। हम बहुत उस टाइम बताऊँ थे कि सब कुछ मिल जाएगा, और बाद में हमारे को कुछ नहीं मिला। वोट दे दिया हमने, सब जितनी सरकार हमारी खड़ी हुई सबके वोट दिए, पर तो कोई हमारा सहायता नहीं किया। तो अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? अब सरकार से ये हमारे लिए कोई जगह दे दो, हमारे बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान हैं जी, बहुत दुख और हमारे को। अब हमारे को दिन रात खतरा है, पता नहीं हमारे को कब भगा दो यहाँ से। गांव की बुजुर्ग महिलाओं का कहना है कि जब से उनकी शादी हुई है वे यहां पर गुजर बसर कर रही हैं, पर भूमि ना मिलने के कारण उन्हें आज चिंता सता रही है। उन्होंने कहा कि हमने तो अपना जीवन औरों की भूमि पर गुजार दिया, पर आने वाले समय में उनके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, इसके प्रति वे चिंतित है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि प्रदेश सरकार जो 2 बीघा जमीन गरीब किसानों के नाम कर रही है वे इनके नाम की जाए, ताकि इनको भी योजनाओं का लाभ मिल सके। काम इतना ही है, हमारे पास इतनी जमीन है, यही झोपड़ी है, बच्चे भी हैं, हमारे इसी में रहते हैं राम भी। हमारे को जमीन की बहुत दिक्कत आ रही है, हमारे पास तो है नहीं कुछ, और बढ़ाने के लिए भी सरकार से बोल रहे कि हमारे को थोड़ी जमीन दे दो। बचपन से तोलो, मैं भी छोटी थी जलो मेरी शादी हुई वहाँ, मेरे ससुराल के पास कुछ नहीं है, जमीन नहीं, बागड़ी नहीं, मेरे बच्चे परेशान, मेरे पुत्रु परेशान हुए है, हम भी परेशान, लोगों की झोंपड़िया में हम पड़े हुए है। ये झोंपड़िया पता नहीं हमारे से ले लो लोगों की, हमारे पास कुछ नहीं है जी, दिक्कत हमारे को सब क्योंकि रात को भी दिन को भी जी डर है हमारे को, हम तो जी जंगल में, हमारा बासा तो जंगल में। तो जी चले गए यहाँ से, और हमारे को बहुत दिक्कत हो रही है, हम अकेले पड़े, यहाँ जमीन नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे को जमीन मिल जाए। जब विधायक वोट मांगने आते हैं तो आप लोग क्या आश्वासन देते हैं? तो बोलते हैं दे देंगे, उन्होंने दिया ही नहीं कुछ, ये नहीं संदेश देते जी। उन्होंने क्या कहा विधायक ने? उन्होंने ऐसे बोला जे हम कर लेंगे कुछ सहायता, उन्होंने जी कुछ सहायता नहीं की ना कुछ बोला, ऐसे चले गए चुपचाप, देख लेंगे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो हमारे को बहुत परेशानी हो गई। वहीं विकास खंड अधिकारी ने बताया कि ये मामला उनकी संज्ञान में अब आ चुका है, यहाँ के लोगों को जल्द ही पक्के मकान व भूमि देने की कोशिश की जाएगी।